हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, रोज के जैसा है आज भी मैंने कार लेकर एक गेम को स्टार्ट किया और आज का गेम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसीलिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप लोग देखिए और देखिए दोस्तों, मैं कार को ऊपर लेके जाने वाला हूँ, प्लेटफॉर्म को ऊपर लेके जाने वाला हूँ। कहाँ तक लेके जा सकते हैं देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं अपने कार को लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर रोकने वाला हूँ और यहाँ से उतरूंगा कार से, मतलब कार से बाहर निकलूंगा। यहाँ पर मैं कार को रोक दिया, यहाँ पर मैंने पार्किंग कर दिया है, आप देख सकते हो दोस्तों। अरे अरे अरे, मैं तो नीचे उतर गया, कार से उतरने वाला था दोस्तों, लेकिन मैं प्लेटफॉर्म में उतर गया, यानी कि लाइन में उतर गया, क्योंकि कार मेरा नजदीक ही था। तो चलिए दोस्तों उठने की कोशिश करते हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ पर नहीं उठ सकते, चलिए थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। तो देख सकते हो दोस्तों, फिलहाल मैं थोड़ा वीडियो आगे कर देता हूँ, तो यहाँ पर आगे आ चुका हूँ। अब यहाँ पर एक चीज मुझे करना है, क्या करना दोस्तों, एक सिग्नल यहाँ पर चेंज करना। तो यहाँ पर देख सकते हो रेड कलर का लाइट दिख रहा है, यानी कि कोई ट्रेन नहीं आने वाला। यहाँ पर मैं सिग्नल को चेंज करूंगा, यहाँ पर देख सकते हो मैंने सिग्नल को चेंज कर दिया है। अब मैं फिर से ऊपर जाने वाला हूँ और देखता हूँ कि कौन सा ट्रेन आने वाली है, उस ट्रेन के साथ क्या कर सकते हैं। और मैं ट्रेन के साथ में ट्रेन के ऊपर कूदने वाला हूँ और मैं ऊपर, मतलब जो फुटवेयर जो रहते हैं दोस्तों, ओवर ब्रिज, उसके ऊपर जाने वाला हूँ। उसके ऊपर जाने के बाद ट्रेन के ऊपर भी कूदने वाला हूँ। क्या मुझे इलेक्ट्रिक का शॉक लगता है नहीं लगता, वो चीज आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। देख सकते हो दोस्तों, एक ट्रेन भी आ चुकी है लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म में आई है, जिस कारण से मैं उसके साथ उसके पास नहीं जा सकता और जाने का कोशिश करूंगा। तो प्लीज तो वीडियो को एंड तक बने रहिए और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम आने वाली है और मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को इंटरेस्टिंग गेम देने का। तो दोस्तों मैंने शुरुआत किया, तो शुरुआत ही में आप लोगों के हेल्प की बहुत ही जरूरत है। चलिए दोस्तों हम इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम ऊपर चढ़ जाते हैं और देखते हैं कि किस तरफ से वो ट्रेन आ रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, और एक ट्रेन आने की संभावना है, जैसे कि सिग्नल मुझे मिल रहा है, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं बता सकते। तो और एक ट्रेन आ रही है, तो चलिए दोस्तों उसके ऊपर कूदने का प्रयास करेंगे। अब ऊपर से जंप करेंगे, जंप करेंगे तो आप देखेंगे क्या होता है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा आगे चलते हैं और आगे जाने के बाद एक ट्रेन आने वाली है, उसके ऊपर जंप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ट्रेन आ गई है, लेकिन ये एक्सप्रेस ट्रेन में रुकने वाले तो नहीं है, जैसे कि मुझे लग रहा है इस स्टेशन पर रुकने वाले नहीं है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, जंप करने का कोशिश करते हैं और जंप करने के बाद क्या हम ट्रेन के ऊपर आ सकते हैं, साइड में गिरते हैं वो भी देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने जंप कर दिया, फिर तो जंप करने का देखते हैं दोस्तों, मैंने साइड में गिर गया और ट्रेन एक्सप्रेस था, जिस कारण से ट्रेन आगे चल गई। तो ठीक है दोस्तों, इस ट्रेन के साथ अगर जंप मतलब सक्सेसफुल नहीं हुआ तो दूसरे ट्रेन के साथ भी करेंगे। तो ठीक है, दूसरा ट्रेन आने का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि उधर एक ट्रेन आ रही है, तो वो बहुत दूर हो गया क्योंकि दोस्तों मैं वहाँ तक नहीं गया। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरे ट्रेन के साथ करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि किस तरह से जंप करेंगे, क्या मुझे इलेक्ट्रिक का शॉक लगता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, सब कुछ आप लोग दिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए तो पहले ऊपर उठ जाते हैं, फिर देखते हैं, कोशिश करेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों, ये तो कहावत है, आप लोगों ने सुना ही होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत इंटरेस्टिंग गेम फिर से और भी आने वाली है। तो ये गेम शायद आपको इंटरेस्टिंग लगा है कि नहीं लगा है नहीं बता सकते। चलिए आप उतर जाते हैं, पहले उतर जाने के बाद देखते हैं इस ट्रेन के साथ कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते। दोस्तों सोच रहा हूँ कि इस ट्रेन का हम कपलिंग तोड़ देंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पर और एक ट्रेन उधर से जा रही है, जब मैं इधर आया तो उधर से ट्रेन जा रही है, मतलब मेरा नसीब ही खराब है आज लग रहा है कि जब मैं इधर आ रहा हूँ तो उधर से ट्रेन जा रही है, उधर आ रही है से ट्रेन जा रही है। तो इसका कपलिंग तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसका कपलिंग टूटेगा नहीं, बहुत मजबूत है, तो कपलिंग नहीं टूटा दोस्तों, इस कारण से मैं चले ठीक है दूसरे ट्रेन के साथ कोशिश करूंगा। इसका कपलिंग तोड़ने का प्रयास तो किया, लेकिन प्रयास किया लेकिन नहीं हुआ। बोलते हैं कि कोशिश करो, ठीक है दोस्तों कोशिश करने का प्रयास तो करते हैं। चलिए दूसरे ट्रेन के साथ मजा लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं मेरा कार भी खड़ी है क्योंकि मैंने वहाँ पर पार्क किया। तो यहाँ से देख सकते हो दोस्तों, कोई ट्रेन अभी तक आई नहीं है। ठीक है, अब प्रयास करते हैं कि कौन सा ट्रेन आता है, देखते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। आप लोग भी थोड़ा वेट कर लीजिए, मेरा वीडियो अंत तक देख लीजिए थोड़ा क्या होता, और अगर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो भाई। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हम इस ट्रेन के अंदर चलने की कोशिश करेंगे। चलिए इस ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं, चलने के बाद देखते हैं क्या होता है, क्या करने की कोशिश करेंगे कुछ। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा बोगी खाली है, मतलब पूरा कोच खाली है, यहाँ पर कोई कपलिंग तोड़ने का ऑप्शन तो है नहीं है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा, यहाँ पर ऊपर पंखा वंखा लगे हुए हैं, पूरा ये जनरल बोगी है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद दूसरा बोगी में देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो दूसरा बोगी में देख सकते हैं पूरा खाली है, पर एक डोर है, तो हम उतरने का प्रयास करते हैं, लेकिन ट्रेन फुल स्पीड में है, लेकिन फुल स्पीड में होने के कारण यहाँ पर मुझे गिरने का चांस लग रहा है। तो देख सकते दोस्तों मुझे गिरा ही गया असल में, और यहाँ पर देख सकते दोस्तों मैं गिर गया और ट्रेन जो कि फुल स्पीड में चला गया।
लेकिन मेरा कुछ हुआ नहीं, थोड़ा पैर में चोट लगा है, पर देख सकते हैं। लेकिन ओ कैसे देख सकते हैं, मैं तो कैमरा मैन हूँ, लेकिन चोट तो मेरा लगा है। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे जोक कर दिया थोड़ा यहाँ पर। मुझे छोड़ो छोड़ 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 यहाँ पर मुझे लटका दिया दोस्तों। मैं यहाँ पर कॉपलिंग मतलब लटका दिया था, फिर वहाँ से कोशिश किया भागने का, तो यहाँ पर कूद दिया थोड़ा। यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेन आगे जा चुकी है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, मुझे थोड़ा चोट लगी है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप लोग साथ में हैं, आप लोगों का दुआ है, आप लोगों का प्यार है, यही बड़ी बात है, सब ठीक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर देखते हैं, कुछ कोशिश करेंगे कुछ नया ट्राई करने का। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसका सिग्नल चेंज कर दिया, नहीं सिग्नल चेंज नहीं किया। ठीक है दोस्तों, इसको रहने देते हैं, पहले उसका ट्रैक चेंज करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक ये सिग्नल के बाद ट्रैक आता है यहाँ पर चेंज करने के लिए। यहाँ ट्रैक मैंने चेंज कर दिया, ठीक है दोस्तों, कि अगर दूसरा कोई ट्रेन आया तो इधर चला जाए। तो मैंने दोस्तों ट्रैक चेंज कर दिया, आप देखते हैं दूसरा कुछ कोशिश करेंगे कुछ अलग चीज करने का और अलग आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर और एक ट्रेन आ रही है, मुझे सिग्नल जैसे मिला है, तो और एक ट्रेन के साथ क्या कर सकते हैं। चलिए वीडियो को देखते रहिए, आज तक बने रहिए। और एक ट्रेन आ रही है फिलहाल, उधर दूर में दिख रहा है सर, आप लोगों को नहीं दिख रहा हूँ मैं। तो चलिए वीडियो को अंत तक बने रहिए और नया ट्राई करते हैं दूसरा कुछ करने का। यहाँ पर हम और एक ट्रैक चेंज करने वाले हैं, ये वाला ट्रैक हम चेंज करेंगे। यहाँ पर स्विच है, जैसे कि मैंने ट्रैक चेंज कर दिया, फिलहाल तो यहाँ पर एक ट्रेन आ रही है। अब इस ट्रेन के साथ क्या घटना घटती है, ट्रेन ट्रैक चेंज करने के बाद क्या ट्रेन एक्सीडेंट करती है, क्या एक ट्रेन सही सलामत जाती है, तो ट्रेन स्लो है जिस कारण से कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ट्रैक चेंज करने के बाद इसका जो चक्का है दोस्तों, देख सकते हैं पलट गया, यानी कि चक्का मतलब पटरी से उतर गया, जिस कारण से ट्रेन पलटी, मतलब मारने ही वाला था लेकिन स्पीड कम था, जिस कारण से पलटी नहीं हुआ। यहाँ पर देख सकते दोस्तों, यहाँ पर पलटी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैंने ये सब किया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो फिर से इसका ट्रैक में चेंज कर देता हूँ, ये अगर ट्रेन सीधा होता है कि नहीं होता वो देखने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ट्रैक स्विच चेंज किया, लेकिन ट्रेन सीधा नहीं हुआ, क्योंकि एक बार पलट जाने के बाद सीधा नहीं होता है दोस्तों। तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कैसे पलटा हुआ है, वो ट्रेन आगे भी नहीं जा सकती। ठीक है दोस्तों, ट्रेन आगे भी नहीं जा सकती, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आगे भी नहीं जा सकते, पूरा चक्का पलटा हुआ है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, ठीक है। फिर दोस्तों हम यहाँ पर प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं, अपने कार के पास जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। यहाँ पर ट्रेन देखते हैं, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर खड़ी है, और कोई अगर ट्रेन पीछे से आ गई तो उसको धक्का मार के वो भी एक्सीडेंट हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, एक और एक ट्रेन खड़ी है, चलिए इसके साथ कुछ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यानी कि आप लोगों को बताया था दोस्तों कि ऊपर कूदने की कोशिश करेंगे, यानी कि जंप करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसके ऊपर हम चढ़ने वाले हैं। आप दोस्तों देख सकते हैं, फिर से प्रयास करेंगे, यानी कि फिर से कोशिश करेंगे जंप करने का। क्या होता है, क्या करंट लगता है मुझे, क्या अंदर गिर जाता है, क्या साइड में गिरते हैं, फिर से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बार कूदा था लेकिन बाहर गिर गया था, वो एक्सप्रेस ट्रेन था जो कि जा चुकी थी। आप दोस्तों यहाँ पर ट्रेन खड़ी है, और यहाँ पर ऊपर से हम जंप करेंगे इस ट्रेन के ऊपर। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, वरुण धवन का एक मूवी आता है, जंप करते हैं ऊपर से, तो वैसे हम जंप करने वाले हैं ऊपर से। एक बच्चा को बचाता, लेकिन बच्चे को नहीं बचाएंगे, हम खुद बचेंगे, नहीं मालूम। यहाँ पर देख सकते हो, तो मैंने जैसे पूरा था अंदर आ गया, यानी कि दोस्तों छत जो कि फट चुका है, फट के दोस्तों मैं अंदर आ चुका हूँ, जहाँ सीट रहता बैठने के लिए वहाँ पर आ चुका हूँ। देख सकते हो दोस्तों, तो बहुत ही बड़ा दुर्घटना घट गया मेरे साथ दोस्तों, क्या बताऊँ। कोई बात नहीं दोस्तों, इसका पार्ट 2 भी आने वाला है जल्दी, बहुत जल्द आने वाला दोस्तों।